बॉलीवुड सिनेमा में कई ऐसी फिल्म हैं जो रिलीज से पहले धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप झेल चुकी हैं। कुछ दिनों पहले बिग बजट फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें रणवीर कपूर मंदिर के अंदर जूते पहनकर जाते हुए नजर आए थे। इस सीन की वजह से सोशल मीडिया पर लोग काफी भड़ गए थे। वहीं ऐसा ही अब एक और मामला सामने आया है। हाल में ही भारतीय फिल्ममेकर लीना ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का एक पोस्टर शेयर किया, जिस पर अब जमकर विवाद हो रहा है। इस पोस्टर में मां काली को धूम्रपान व हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में LGBT का झंडा लेकर दिखाया गया है, और इस सीन के बाद लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं। दरअसल लीना की आगामी डॉक्यूमेंट्री का नाम काली है, जिसका पोस्टर फिल्म मेकर ने बीते दिनों ट्वीट पर शेयर किया था। इस पोस्टर में देखा जा सकता है कि एक एक्ट्रेस मां काली के अवतार में है और धूम्रपान करते दिखाई दे रही है। इसी के चलते उस्मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली संत महामंडल NCR क्षेत्र में महामंत्री महंत नवल किशोर दास व दिल्ली संत महामंडल के तमाम प्रदेश पदाधिकारी और अन्य साधु संतों ने उस्मानपुर थाने में आकर फिल्ममेकर व अभिनेत्री लीना व कलाकारों के खिलाफ ज्ञापन देकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। देवताओं को, हमारे आराध्य को, हमारे संतों को, हमारे विद्वानों को एक इस प्रकार से अभद्रता के रूप में दिखाना, इस तरह का एक नियम जैसा चल पड़ा है, उपहास उठाना। उसी क्रम में एक काली नाम की कोई फिल्म बन रही है, सुना है कोई लीना लीना है वो बना रही है। अब भगवान के हाथ में क्या अस्त्र होना चाहिए ये नहीं उनको पता है। केवल हिंदू समाज को, सनातन को अपमान करने की एक होड़ जैसी लग गई है। तो उन्होंने भगवती माँ काली, जो हमारी आराध्या है, उनके हाथ में धूम्रपान करते हुए इस प्रकार का अभद्र चित्र हम कैसे सहन कर सकते हैं? केवल कुछ लोगों की भावनाओं का आदर यहाँ किया जाएगा क्या? क्या चाहते हैं? हिंदू समाज रोड पर नहीं निकलता है उस दिन की कल्पना कर रहे हैं क्या? एक तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दिल्ली संत महामंडल के माध्यम से मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहने आया हूँ कि दृश्य को देख करके हमें बहुत गिलानी हुई है, आत्म ठेस पहुँची है हमको, और अपमान है ये हमारे आराध्य का। ऐसा अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं हमारे न्यू उस्मानपुर थाने के जो थानाध्यक्ष जी हैं उनसे मिलकर के FIR दर्ज कराएंगे, सूचना दे रहे हैं, और सूचना कराने के बाद अविलंब कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है, जिस प्रकार से हमारे आराध्य को चित्र दिखाकर अपमानित किया गया है, उससे हम परेशान हैं, दुखी भी हैं। और मैं कानून के दायरे में सब बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो कानून के हाथ में लें। जिस प्रकार से देश में वर्तमान में एक संप्रदाय विशेष के द्वारा हो रहा है कि कोई न कोई आश्रय लेकर के कोई न कोई बहाना बना करके, हम ऐसा तो नहीं करना चाहते, परंतु कब तक हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी? इस फिल्म पर अविलंब इसको एक तो रिलीज नहीं किया जाए, जो सेंसर बोर्ड है उसमें प्रतिबंध लगा दें, और जिन लोगों ने बनाई है वो क्षमा मांगे। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, कुकृत न हो, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई बनाने वालों पे, वो जो दृश्य दिखाने वाला जो भी वो हीरो है उस पे कार्रवाई हो, ऐसी कामना लेकर और मांग लेकर हम यहाँ आए। हाथों में ज्ञापन लिए हिंदू संत समाज के लोग उस्मानपुर थाने में खड़े हैं और थाना अध्यक्ष को ज्ञापन देकर आ रहे हैं। तेज निगाह से बातचीत करते हुए महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास महाराज ने बताया कि आए दिन हिंदू देवी देवताओं व हिंदुओं के भाव को ठेस पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर भारतीय फिल्ममेकर लीना ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का एक पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर में मां काली के हाथ में धूम्रपान व एक त्रिशूल दिखाया गया है, जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँची है। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाह, दिल्ली।